जी सर, आपकी अनुमति हो तो सर आरंभ करें सर। हाँ बिल्कुल। जी सर, जी धन्यवाद सर। सुप्रभात सभी विद्यार्थियों को। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में अपने विश्वविद्यालय उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से। और आज के जो विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद है उनका मैं आपसे पहले परिचय करा दूँ, उसके बाद हम आगे की कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस कक्षा को आरम्भ करते हैं। तो आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर संतोष कुमार राय सर उपस्थित हैं, जो वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत है। साथ ही साथ युगवार्ता और नवभारत जैसे जितने राष्ट्रीय समाचार पत्रों में उनके लेख आलेख निरंतर आते रहते हैं, और वो साथ ही साथ इसके साथ वो एक सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी ख्याति पाते हैं। बहुत सारे चैनलों में डिबेटों में वो राजनीति और सामाजिक विश्लेषक के तौर पर भी आमंत्रित होते रहते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य, हमारा विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि सर ने अपना समय दिया इस विषय पर चर्चा करने के लिए, परिचर्चा करने के लिए। तो मैं आप विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा जितना हो सके इस समय का लाभ उठाइए और इस क्लास को आप मन लगा कर कीजिए, और जो भी आपके द्वंद हो मन में, जो भी प्रश्न हो इस विषय इस उपन्यास से जुड़े हुए, उस सर के समक्ष रखने का कार्य कीजिए और सर निरंतर अपना समय हमें देते रहेंगे। इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ आज की इस कक्षा में। सर आप हो सके कक्षा आरम्भ कीजिए सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद अभिषेक जी। आज का विषय है राग दरबारी। राग दरबारी हिंदी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और हिंदी में सिर्फ राग दरबारी को उपन्यास नहीं माना जाता बल्कि उपन्यास के विकास का एक पड़ाव माना जाता है। राग दरबारी से जो शुरुआत होती है उपन्यास की, या राग दरबारी जिस जगह पर खड़ा है वह एक बहुत अलग तरह का उपन्यास बनकर खड़ा है। और उपन्यास के जितने भी प्रकार हैं, या उपन्यास जितने प्रकार के उपन्यास लिखे गए उन सभी उपन्यासों से एक अलग अपनी नई पहचान लेकर राग दरबारी आता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राग दरबारी के लेखक कौन है और राग दरबारी का पूरा कंटेंट क्या है और इसकी कहानी कैसे गढ़ी गई है और क्यों गढ़ी गई है। तो सबसे पहला प्रश्न जो मेरे मन में ये उठता है कि राग दरबारी क्यों, आखिर राग दरबारी की जरूरत क्या पड़ी। पिछली कक्षा जब हुई थी तब मैंने आप लोगों से बातचीत करते हुए बताया था कि उपन्यास की क्यों जरूरत पड़ी, कि मतलब उपन्यास क्यों लिखा जाए, क्या जरूरत है उपन्यास की। बिना उपन्यास के भी तो बहुत सारी साहित्यिक विधाएं हैं जिनसे काम चल सकता है। कोई भी नई विधा जब साहित्य में आती है तो उसको लेकर पहला सवाल यही होता है कि उस विधा की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर जरूरत पड़ी तो वो विधा क्या अपनी उस जरूरत पूरी कर पाती है क्या। उसी तरह से जब हम विधा के अंतर्गत किसी उपन्यास की बात करते हैं तो हिंदी में अगर 10 उपन्यासों की आज हम गणना करेंगे कि महत्वपूर्ण 10 उपन्यास हमको दिए जाए तो उसमें से राग दरबारी एक होगा। राग दरबारी अपनी एक अलग स्थान बनाता है, जैसे गोदान है, शेखर एक जीवनी है, बाण भट्ट की आत्मकथा है, मैला आंचल है, उसी तरह से राग दरबारी भी अपनी एक अलग पहचान बनाता है। समझने की यह बात है कि पूरा का पूरा उपन्यास व्यंग आधारित है। ध्यान रखिए इसका जो कंटेंट है, इसकी जो कथा कही गई है वह व्यंग शैली में कही गई है। पहली बात, श्रीलाल शुक्ल इसके लेखक है और श्रीलाल शुक्ल प्रशासनिक अधिकारी थे। प्रशासनिक जीवन के जो उनके अनुभव है, खासकर स्वाधीन भारत के विकास की योजनाओं के और स्वाधीन भारत के में विकास की बनी हुई योजनाओं के क्रियान्वयन की का जो अनुभव है एक अधिकारी के रूप में और एक बदलते हुए भारत के समाज के रूप में, और वह समाज जो अनेक तरह की आकांक्षाएं और अपेक्षाओं के साथ स्वाधीनता का इंतजार कर रहा था और स्वाधीनता आने के बाद वह किस तरह के राजनीतिक चंगुल में फंसता है, कैसी राजनीतिक चंगुल में और किस तरह के प्रशासन भ्रष्टाचार में फंसता है, इसका बहुत ही जीवंत उस समय का दस्तावेज है राग दरबारी। और राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है कि जिस विषय को आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले उठाया गया वह विषय आज भी मौजूद है, उसी तरह से है। तो ऐसा नहीं है कि
कोई भी साहित्य, कोई भी कृति दीर्घजीवी तभी होती है जब उसमें लंबे समय के अनुभव डाले जाए। जैसे गोदान की जो समस्याएं हैं वो आज भी हमारे समाज में जीवित है, महिला आंचल की जो समस्या है, लेखक ने जो महिला आंचल में समस्याएं गिराई है वो जीवित है, उसी तरह से राग दरबारी भी। तो राग दरबारी और शिला शुक्र से पहले दो तीन लेखक हुए हैं जो इस तरह का लेखन किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम बाबा नागार्जुन का है। नागार्जुन के जितने भी उपन्यास आप पढ़ेंगे, कुछ उनकी कहानियां, कुछ कविताएं, तो व्यंग प्रधान लेखन बाबा नागार्जुन ने किया है। व्यंग के बहुत ही माहिर लेखक हैं बाबा नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त और फणीश्वर नाथ रेणु, ये तीन ऐसे लेखक हैं जो शिलाल शुक्ल के पहले कह लीजिए या शिलाल शुक्ल के समकक्ष कह लीजिए, या शिलाल शुक्ल के उस परंपरा में कह लीजिए। तो ये इस तरह से राग दरबारी की शुरुआत होती है। अब राग दरबारी को समझिए कि क्यों लिखा गया, क्या जरूरत पड़ गई राग दरबारी लिखने की, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे जो उपन्यास लिखे जा रहे थे वो कथा प्रधान उपन्यास थे। और ध्यान रखिए कि राग दरबारी में कोई ऐसी व्यवस्थित कथा नहीं है, या कह लीजिए कि कोई ऐसी कहानी नहीं है बहुत बड़ी, बहुत ही ऐसी कहानी जो आपको बांध सके, या राग दरबारी उपन्यास पढ़ने के बाद कोई ऐसा व्यवस्थित आपको कथा का दर्शन हो जाए, जिससे जैसे जो होती है कथा में है या महिला आचरण में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद विवेकी राय के कुछ उपन्यास है इसी तरह के, बबूल है, मंगल भवन है, तो एक इस तरह के जो उपन्यास लिखे जाते हैं उसमें एक क्षेत्रीय यथार्थ होता है, तो क्षेत्रीय यथार्थ ही राष्ट्रीय यथार्थ बनता है, ध्यान रखिएगा, उसमें एक क्षेत्र को लिया जाता है। तो अगर महिला आंचल में एक क्षेत्र लिया गया है, बबूल में एक क्षेत्र लिया गया है, बाणभट्ट की आत्मकथा में एक क्षेत्र लिया गया है, या नागार्जुन के उपन्यासों में एक क्षेत्र लिया गया है, उसी तरह से राग दरबारी में भी एक क्षेत्र की संकल्पना की गई है, जो लखनऊ के आसपास किसी शिवपालगंज नामक जगह की एक संकल्पना है। वो शिवपालगंज है कि नहीं है वो अलग मसला है, लेकिन अनेक शिवपालगंज इस देश में बन गए थे उस समय। तो राग दरबारी जो पूरा का पूरा उपन्यास बनता है वह ग्रामीण जीवन के निर्मम यथार्थ के साथ बनता है, और यह यथार्थ पूरी तरह से भारत की राजनीति का द्योतक है, यानी भारत की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसे एक क्षेत्रीय राजनीति में बांधकर लेखक ने इस सलीके से प्रस्तुत किया है कि इस उपन्यास में पूरे के पूरे राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थ चित्रण हो जाता है एक क्षेत्रीय राजनीति के रूप में। अब समझने की यह बात है कि इस उपन्यास की संरचना कैसे है। उपन्यास में देखिए महत्वपूर्ण दो चीजें होती है, किसी भी उपन्यास की संरचना यानी उसका कथ्य और उसका शिल्प स्टाइल। शिल्प में उपन्यास व्यंग प्रधान है और कथ्य में उपन्यास कथ्य विहीन है। ध्यान रखिए यह पहला उपन्यास है हिंदी का जो महिला पात्र विहीन उपन्यास है। एक जगह सिर्फ एक महिला इस पूरे उपन्यास में आती है, अन्यथा कहीं भी उसमें महिला नहीं है, यानी आपकी आधी आबादी के बिना भी यह इतना चर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास बन गया। अब समझिए कैसे बन गया, क्योंकि इस उपन्यास में कोई भी चरित्र प्रधान चरित्र नहीं है। कुछ चरित्र हैं जो कभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कोई चरित्र कभी महत्वपूर्ण हो जाता है जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, लेकिन यह चरित्र प्रधान उपन्यास नहीं है। फिर कैसा उपन्यास है, यह स्थान प्रधान उपन्यास है, यानी इस उपन्यास के पूरे कलेवर को लेखक ने बड़ी कुशलता से बदल दिया है, यानी जगह को महत्वपूर्ण बना दिया है, कहीं भी चरित्र को महत्वपूर्ण नहीं बनने दिया, और चरित्र महत्वपूर्ण नहीं बने, जगह महत्वपूर्ण बन गई, व्यवस्था महत्वपूर्ण बन गई, समाज महत्वपूर्ण बन गया, समय महत्वपूर्ण बन गया, और राजनीति, यही इसके पात्र हैं। यानी शिवपालगंज जिस जगह की संकल्पना इस उपन्यास में की गई है वह उपन्यास, या भीमखेड़ा गांव एक है उसको उठाया गया है। आप समझिए कि शिवपालगंज पूरा का पूरा एक तरह का भारत है, और शिवपालगंज एक प्रधान चरित्र के रूप में इस पूरे उपन्यास में घूमता है और पूरी कहानी को अपने इर्द गिर्द घुमाता है। जिन लोगों ने उपन्यास पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि कहां से उपन्यास की शुरुआत होती है।
सड़क कैसी है, सड़क कैसे जाती है, ऊपर उस पर ट्रक कैसे जाते हैं और उसका व्यंग क्या है, उसकी पूरी की पूरी धार देखिए। इस उपन्यास के प्रमुख अगर पात्रों पर नजर डाली जाए, यानी कहानी जहां से शुरू होती है, वह पूरी कहानी के जो आधार स्तंभ है वह वैद्य जी हैं। वैद्य जी मुख्य रूप से एक वैद्य पेशा के आदमी है, लेकिन वह उनका दिखाने का पैसा है, यानी वह दिखाने का है। उनके आमदनी या उनके आय का जो स्रोत है वह दूसरे स्रोत है। और वैद्य जी के बारे में उपन्यास में बताया गया है कि वैद्य जी सबसे पहले अंग्रेजों के समय में भी उनके लिए काम करते थे, न्यायालयों में काम करते थे, और जब देश स्वाधीन हो गया तो नेताओं के शुभचिंतक बन गए और नेताओं के कृपा पात्र बन गए। तो वैद्य जी एक कुशल राजनेता है, उन जिनके दो पुत्र हैं रूपन और बद्री, उनके भांजे हैं रंगनाथ। अब पूरा का पूरा जो उपन्यास है यह इन्हीं चरित्रों के बीच में घूमता है, और कुछ अन्य चरित्र आ जाते हैं, जैसे शनिचर है एक प्रमुख चरित्र है, छोटे पहलवान है एक प्रमुख चरित्र है, और भी कई चरित्र रामाधीन भीम कड़वी है और कुछ इस तरह से, लेकिन बहुत कम चरित्र है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चरित्र उठाया है उपन्यास में, चरित्र की भरमार हो गई हो, नहीं, पात्र बहुत कम है, हिसाब से पात्र आए हैं, लेकिन उन्हीं पात्रों के साथ उपन्यासकार ने बहुत सारी ऐसी बातों को खोल दिया है जो स्वाधीन भारत के सपने को चकनाचूर करती हैं। विवेकी राय ने इस उपन्यास पर एक टिप्पणी की थी, खासकर एक एक समाज में जो पढ़ा लिखा तबका है और एक बिना पढ़ा लिखा है तबका है, उसको लेकर जो टिप्पणी की थी वो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। विवेकी राय ने लिखा था कि तब ऐसा लगता है कि भारत का हर बुद्धिजीवी आज रंगनाथ की दयनीय तस्वीर बना हतबुद्धि होकर कांग्रेसी समाज की उन चुनौतियों से भीतर ही भीतर जूझ रहा है जो जाल की तरह उसके चारों ओर लगे हैं, और जिनके जालिम मछुओं के सरदार रूप में कोई वैद्य जी अपने खास रिश्तेदार पड़ रहे हैं, तथा जिनसे निपटने का इससे अधिक सुकर कोई मार्ग नहीं कि तमाशा भूमि को छोड़कर चुपचाप सरक जाए। पूरे उपन्यास में जिस चीज की हार हुई है, या उपन्यासकार ने जिस चीज को हारते हुए दिखाया है, जिस चीज को भागते हुए दिखाया है, वह है शिक्षा व्यवस्था। भारत की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षित वर्ग को भारत की इस राजनीतिक व्यवस्था से लगातार भागते हुए इस उपन्यास में दिखाया गया है, और भागते हुए कोई अनायास नहीं, सायास, तार्किक और ठीक, एकदम यथार्थ चित्रण हुआ है इसका। शिवपालगंज में इस उपन्यास की जो कहानी है वह शुरू होती है, शिवपालगंज में एक छंगामल इंटर कॉलेज है, वैद्य जी उसके प्रबंधक हैं, और एक प्रिंसिपल उसमें है और एक खन्ना मास्टर है, दो प्रमुख पात्र हैं। वैद्य जी के जो पुत्र हैं रूपन बाबू, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, पढ़ना छोड़कर और सारी चीजों में उनकी रुचि है, और कक्षा 10वीं के विद्यार्थी होने के साथ साथ उनकी उम्र 18 वर्ष की हो गई है। तो आप ध्यान दीजिए कि 18 वर्ष की उम्र में वो 10वीं के विद्यार्थी हैं और छात्र नेता है, इंटर कॉलेज में छात्र नेता है, यानी +2 लेवल के विद्यालय में 10वीं में पढ़ते हैं, छात्र नेता का काम करते हैं, कोर्ट कचहरी आना जाना बाहर का सारा काम सब कुछ करते हैं पढ़ाई लिखाई को छोड़कर। वहीं रंगनाथ विश्वविद्यालय से पढ़ लिखकर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण अपने ननिहाल यानी अपने मामा के यहाँ वैद्य जी के यहाँ आते हैं, जो यहाँ रहते हैं और यहाँ की सारी चीजों से परिचित होते हैं। बद्री पहलवान है और पहलवानी करते हैं, और बहुत सारे चेलों को निकाल रखे हैं जो अन्याय, अत्याचार, गोली, बम, बारूद आदि के प्रखर प्रवक्ता है। आप समझिए कौन कौन सी चीज इसमें शामिल की गई है। एक तो कि ग्रामीण, वही एक कॉपरेटिव सोसाइटी है जिसके चेयरमैन हैं वैद्य जी, और वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को बार बार चेयरमैन घोषित करा लेते हैं हर तरह के बल का प्रयोग करते हुए।
इसी प्रकार वैद्य जी की प्रशासन बहुत ही दिलचस्पी भी है और पहुंच भी है। तो जो प्रशासन है, जो राजनेता है, वो सब के सब वैद्य जी से परिचित है और वैद्य जी के इशारे पर नाचते हैं। उसी तरह इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं, वैद्य जी के कहे के अनुसार ही चलते हैं। तो कई बार इस उपन्यास में ऐसी स्थिति बनी है कि वैद्य जी, रंगनाथ, रूपन, ये सब आमने सामने आ जाते हैं। वहीं पिता पुत्र के जो संबंध है, जो कटु संबंध है, संबंधों की जो मर्यादा है या अमर्यादा है, उसको भी इस उपन्यास में बहुत बखूबी दिखाया गया है। आप लोगों को ध्यान होगा, एक छोटे पहलवान नाम का पात्र है, तो उसके लिए लिखा है कि उसके पिता है कुशेश्वर, कि कुशेश्वर को से जब वह बच्चा था तो कुशेश्वर जब लाठी से उसको मारते थे तो वो पत्थर मारता था दूर से, लेकिन जब जवान हुआ तो लाठी से लाठी लड़ने लगी। और लिखा है, व्यंग करते हुए उपन्यासकार ने, कि जिस तरह से राजनेताओं के कार्यक्रम लगते हैं, राजनेताओं और इनका जो उनको बुलाया जाता है नियमित, उसी तरह से कुशेश्वर और छोटे पहलवान के बीच भी नियमित उनकी लड़ाइयां होती रहती थी। तो यह कुशेश्वर और छोटे से शुरू नहीं होता है, कुशेश्वर ने भी अपने पिता के साथ यही किया था। और ऐसा एक बार मारा कि उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके पिता की अंत्येष्टि के लिए भी वो लोगों को अर्थी उठाने की अनुमति नहीं दे रहा था और कह रहा था कि मैं इसको घसीट कर ले जाऊंगा और ले जाके नदी में फेंक दूंगा। यह कटु यथार्थ है समाज का, यानी कि पिता और पुत्र दो है जो इस तरह का भी व्यवहार करते हैं, यह हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। संस्कार की जहां तक बात की जाए, यह उपन्यास हमारे भारत के संस्कार को एक तरह से एक झकझोर कर रख देता है। सारे बनावटीपन एक तरफ और इस उपन्यास में वर्णित यथार्थ एक तरफ। उपन्यास में जिस चरित्र की बात की है, चरित्र मतलब पात्र नहीं, मनुष्य का जो चरित्र है, उसमें रूपन और वैद्य जी के बीच जब बात होती है तो वैद्य जी रूपन से अनुशासन और चरित्र की बात करते हैं। तो रूपन कहते हैं कि मुझे आपका भी चरित्र पता है। और जब रंगनाथ इस बात पर बीच में पड़ता है, रूपन को समझाने की कोशिश करता है कि तुमको वैद्य जी से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति हैं, तो रूपन कहता है कि वैसे चरित्रवान है कि मेरी माँ की मृत्यु के बाद एक साल भी नहीं रहा गया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और उनके और भी चरित्र हैं जो मैं बताना नहीं चाहता। तो इस तरह से एक दूसरे को नंगा किया गया है इस उपन्यास में पात्रों के द्वारा, और वह नंगा यथार्थ रूप में किया गया है, यानी वह कोई बनावटीपन, कोई आक्षेप, कोई आरोप नहीं है। आरोप आक्षेप से अलग यह एक हकीकत है, समाज की सच्चाई है कि समाज ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है। यानी इस पूरे उपन्यास में जितने लोग हैं, जितने पात्र हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान है। और ध्यान रखिए कि हर पात्र एक किसी न किसी समाज का प्रतिनिधि पात्र है, वह एक सिंपल व्यक्ति नहीं है, कोई भी पात्र। अगर राजनेता, भारतीय राजनीति और राजनेताओं की बात की जाए, तो वैद्य जी सिर्फ राजनेता नहीं है, वैद्य जी राजनेता, राजनैतिक समूह के का प्रतिनिधित्व करते हैं इस उपन्यास में। एक ऐसा प्रतिनिधि जो राजनीति की कुटिलता में माहिर हो और अपने जाल में फंसा कर पूरे समाज को, यानी शनिचर को जब प्रधान बनाते हैं, ग्राम प्रधान बनाते हैं वैद्य जी, और खुद इंटर कॉलेज का प्रबंधक बनते हैं, सोसाइटी का चेयरमैन बनते हैं, तो उसमें राजनीति के उन गुणों का प्रयोग करते हैं, उस हुनर का प्रयोग करते हैं जो संसद और विधानसभा की राजनीति में किए जाते हैं, यह उपन्यासकार ने लिखा है। यानी संसदीय राजनीति जिस तरह की भारत की है या थी, ग्रामीण राजनीति भी कहीं ना कहीं वैसी ही है और वैसी ही थी। अब समझने की जरूरत है कि अन्य पात्र भी तो उसी के अनुकूल विकसित होंगे, यानी भारत
कहीं भी कोई प्रतिभा जब विकसित होती है तो उसके पैरलर उसी तरह की प्रतिभाएं विकसित होती हैं। तो भारतीय राजनीति और भारत के विकास और भ्रष्टाचार का जीवंत दस्तावेज बनकर यह उपन्यास आया है। अब जब वैद्य जी का चरित्र एक आज के कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में दिखाया गया है और राजनेता के जितने गुण हो सकते हैं वो सारे वैद्य जी में हैं, तो राजनेता के नीचे रहने वाले उस तरह के लोग भी चाहिए, यानी राजनेता को कैसे लोग चाहिए जो उसके लिए काम करे, जो उसके लिए गोली चलाए, जो उसके लिए बंदूक चलाए, जो उसके लिए बम लाए, जो उसके लिए मार झगड़ा करे, जो उसके लिए हर तरह की हदें पार कर जाए। उसके बाद ऐसे लोग चाहिए जो उसकी बात करे, पढ़ा लिखा लोग भी चाहिए, बुद्धिजीवी भी चाहिए, डकैत भी चाहिए, गुंडे भी चाहिए, मवाली भी चाहिए। इस उपन्यास में ये सारे पात्र भर दिए गए हैं। एक एक पात्र है और एक एक समाज का प्रतिनिधि है। हर समाज का एक प्रतिनिधि पात्र इस उपन्यास में आया है। अब आप समझेंगे कि उपन्यास में जो प्रतिनिधि पात्र क्यों लिए गए हैं। इस उपन्यास की पूरी बनावट में रूपन बाबू, बद्री पहलवान, छोटे पहलवान, रामा दीन भीम खेड़वी, ऐसे लोगों को क्यों लिया गया है, क्या जरूरत पड़ गई है? तो आप समझिए कि समाज की सच्चाई को दिखाने के लिए, समाज की सच्चाई को वर्णित करने के लिए राग दरबारी को ऐसा बनाया गया है। अब थोड़ा सा इसके सिरफत को समझ लीजिए कि राग दरबारी वास्तव में इसका नाम क्या है, राग दरबारी। तो दरबार क्या है? दरबार वैद्य जी का बैठका है। वैद्य जी का जो बैठका है वह दरबार है, एक तरह का दरबार है। और इस तरह के राजनीतिक दरबार पूरे भारत में स्वाधीनता के बाद बड़े शिद्दत से विकसित हुए और लोगों ने खूब आनंद से उसका विकास किया। दरबार लगाना और राग वह जो दरबार का आदेश है, यानी दरबार का जो आदेश हो गया, दरबार से जो बातें निकल गई, यानी वैद्य जी के यहां से जो बातें निकली वह किसी भी सूरत पे किसी भी हद तक पूरी होंगी और पूरी करनी ही करनी है। तो आप समझ लीजिए कि इसी को राग दरबारी नाम दिया गया, यानी वैद्य जी ने जो कह दिया वो सत्य कह दिया, अब उससे ज्यादा सत्य कुछ नहीं हो सकता। वैद्य जी ने चिकित्सा पर कह दिया, वैद्य जी ने व्यवस्था पर कह दिया, वैद्य जी ने विकास पर कह दिया, वैद्य जी ने विनाश पर कह दिया, वैद्य जी ने विश्वास पर कह दिया। ये सारी चीजें इसमें है। दो पात्र इस पूरे उपन्यास में ऐसे हैं जो अटूट विश्वास की पराकाष्ठा पर खड़े हैं। पहला शनिचर जो वैद्य जी का विश्वास पात्र है और इतना विश्वास पात्र है कि उसके लिए इस दुनिया में आदमी एक सिर्फ वैद्य जी है और भगवान सिर्फ हनुमान जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। शनिचर के बारे में उपन्यास में एक प्रसंग मिलता है कि वैद्य जी जब किसी को कुछ समझाते हैं, बताते हैं, तो संस्कृत के श्लोक के द्वारा बताते हैं, संस्कृत के श्लोक के द्वारा कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी वैद्य जी संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं तो शनिचर अपनी कमर उठाता है ऊपर की तरफ और सिर को जमीन पर टिका देता है और कहता है जय भगवान की। यह एक बहुत बड़ा व्यंग है। शनिचर के रूप में लेखक ने हमारे समाज पर, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत करारा व्यंग किया है, झकझोरने वाला व्यंग किया है कि आप समझिए कि क्या चीज है। शनिचर अनपढ़ है, उसको पढ़ा लिखा नहीं है। संस्कृत का मतलब उसको ये पता है कि संस्कृत जहां बोली जाए इसका मतलब कोई भगवान की कथा हो रही है। और वैद्य जी क्या करते हैं? वैद्य जी गुप्त रोग का इलाज करते हैं। एक तरफ शनिचर का विश्वास, यानी संस्कृत में अटूट विश्वास, संस्कृत का मतलब देववाणी में विश्वास और देवकवाणी मतलब देवताओं में विश्वास। दूसरी तरफ वैद्य जी में विश्वास। और विश्वास क्या है? एक तरफ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने संस्कार पर उसका एक अनपढ़ व्यक्ति का, ग्राम व्यक्ति का विश्वास है और वह विश्वास वैद्य जी के माध्यम से आगे बढ़ता है। दूसरी ओर वैद्य जी उस विश्वास पर खुद
कौन सा काम करते हैं और कौन सा श्लोक बताते हैं, किसके लिए बताते हैं, वह बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब कि भारत ने एक ऐसा अशिक्षित समाज पैदा किया जिसको नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। भारत ने एक ऐसा पिछलग्गू समाज पैदा किया जिसको नहीं पता कि हमारे आगे खड़ा व्यक्ति गलत कह रहा है, सही कह रहा है, अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है। स्वाधीन भारत की यह सच्चाई थी जो भारत के विकास के तमाम दावों की पोल खोल रही थी। आता है इस उपन्यास में, हाँ, इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा पात्र है, छोटे पहलवान, जो बद्री पहलवान का विश्वास पात्र है, उस्ताद है बद्री उसके, और छोटे जैसे सैकड़ों पहलवानों की लाइन लगाए हुए हैं बद्री। बद्री लड़ाते हैं, पहलवान पैदा करते हैं, उनकी एक अलग अलग राजनीति है, उनका एक अलग कुनबा है। वैद्य जी का अलग कुनबा है, रूपन बाबू का अलग कुनबा है, बद्री जी का अलग कुनबा है, पूरा पूरा परिवार ही राजनीति में सक्रिय है और अलग तरह की राजनीति कर रहा है। अब समझिए कि बद्री पहलवान सबसे ज्यादा अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो वो छोटे पहलवान पर करते हैं, और छोटे पहलवान उनका सबसे बड़ा विश्वास पात्र है। किसी काम के लिए उसको कोई बात बताते हैं और उसको शपथ दिलवाते हैं, वह शपथ लेता है। लेखक ने इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब बद्री ने छोटे पहलवान को शपथ दी तो छोटे ने वैसे ही शपथ ली जैसी शपथें राजभवनों में ली जाती हैं, जैसी शपथ भारतीय राजनीति के राजभवनों में ली जाती है कि मैं संविधान की शपथ लेकर कहता हूं कि जो भी करूंगा ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। ये जो शपथें होती हैं और शपथ के बाद उसका जो क्रियान्वयन क्रियान्वित रूप दिखता है भारत के राजनेताओं के द्वारा, वह कितना जितना विभत्स होता है, छोटे पहलवान की भी शपथ उतनी ही विभत्स, उतनी ही कटु, उतनी ही कड़वी, उतनी ही निर्मम और उतनी ही यथार्थ है। तो दो जो विश्वास पात्र है, यानी कि छोटे पहलवान ने अगर शपथ ली तो किसी को नहीं पता कि बद्री के साथ वह क्या करेगा और कैसा व्यवहार करेगा। हम विकास की शपथ खाते हैं तो विकास होता है क्या? नहीं होता। विकास को छोड़कर और सब पूर्व होता है। हम कहते हैं हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ऐसा होता है, हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ जरूर बोलते हैं, बाकी सच बोले चाहे ना बोले, सच के सिवा सब बोलते हैं। यह हमारे समाज की सच्चाई है, हमारा समाज है, हमारे समाज को इस उपन्यास में दर्पण की तरह साफ कर दिया गया है। रूपन बाबू का एक अलग यथार्थ है, उनकी एक अलग महत्वाकांक्षा है। हाँ, ध्यान दीजिए कि लगभग 20-25 वर्ष का जो समय है भारत के विकास का 1947 के बाद, उसको उपन्यासकार ने बड़ी शिद्दत से देखा है। शिलाल शुक्ल का जन्म 1925 में हुआ था, 1949 में वे अधिकारी बन गए थे, प्रशासनिक अधिकारी, और निरंतर उन जगहों को देखते रहे, यानी विकास की जो योजनाएं बन रही हैं, जो सोसाइटी बन रही हैं, जो योजना आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं, और उन पैसों का कि लूट मचाने वाले लोग, उन पैसों को लूटने वाले लोग, उन पैसों को ठेकेदारी में बदल देने वाले लोग जो थे, उनको उन्होंने बड़ी करीब से देखा था, बड़ी नजदीक से महसूस किया था, क्योंकि अधिकारी थे, प्रतिदिन ऐसे लोगों से उनका पाला पड़ता था। अब इस चीज को, समाज की सच्चाई को, आप लोगों को ध्यान होगा कि राजीव गांधी जी ने, प्रधानमंत्री थे, तो कहा था उन्होंने कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गांव तक वो 5 पैसे भी नहीं पहुंचते, या 5 पैसे पहुंचते हैं, कुछ इस तरह का। ठीक राग दरबारी उपन्यास इसका प्रमाण है। एक एक पहला उदाहरण उपन्यास की शुरुआत ही देखिए कि ट्रक चल रही थी, सड़कें कैसी फूटी हुई थी, और उस पर ट्रक किस तरह से उसका क्या कर रहा था, मान मर्दन, और इस तरह से जो उसमें शब्द है, यानी विकास गांव तक नहीं पहुंचा है, लेकिन राजनीति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, चिरहरण, धोखा, फरेब, लूट, ये सारी चीजें गांव तक पहुंची है और मुकम्मल पहुंची है।
सिर्फ पहुंची नहीं है, मुकम्मल पहुंची है, लेकिन विकास गांव तक नहीं पहुंचा है। विकास के पहुंचने से पहले बड़े पैमाने पर बड़े रूप में भ्रष्टाचार पहुंचा है, लेकिन विकास नहीं पहुंचा। यह जो यथार्थ है वह इस उपन्यास का की आत्मा है, बिल्कुल नंगा यथार्थ दिखाया गया है इस उपन्यास में। शिक्षा को लेकर जिस जिस तरह की इस उपन्यास में टिप्पणियां हुई है, शिक्षित समाज को जिस रूप में दिखाया गया, यानी अंत में शिक्षित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यानी एक है, भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करने वाले सात हैं, कौन कौन से? प्रिंसिपल साहब है, खन्ना मास्टर है, रामाधीन भीमखेड़वी है, एक और पात्र है ली करके वैद्य जी सबके नाग देवता है, रूपन बाबू है, द्रीपालवान है, ये सारे लोग जो है सब लोग अपने अपने तरीके से समाज को शोषित करते हैं, समाज का शोषण करते हैं और सरकारी तंत्र में घुसपैठ करके घुस करके और अनेक तरह की चीजों का अपने हक में सदुपयोग दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। यानी पूरा का पूरा जो प्रशासनिक अमला है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो किसके इशारे पर घूम रही है और क्यों घूम रही है? कौन है जो घुमा रहा है? क्यों प्रशासन को, प्रशासनिक लोग सही दिशा नहीं दे पाते? क्यों गांव का कदना सा आदमी, क्षेत्र का कदना सा नेता, एक छोटा सा नेता हर अधिकारियों पर भारी पड़ जाता है? इसका एक छोटा सा उदाहरण मुझे ध्यान आ रहा है, उपन्यास में एक जगह आता है, जब शनिचर को ग्राम प्रधान बनाने का फैसला वैद्य जी ने किया तो शनिचर भी वैद्य जी के साथ रहते रहते बहुत कुछ चीज सीख चुका था, लेकिन काम क्या था शनिचर का? भांग घोटने का, और जो लोग आए उन्हें भांग पिलाने का, यही उसका काम था। और उसकी काया क्या थी? एक मैली कुचैली गंजी बियान और कपड़े का बना हुआ धारीदार पैंट, हाफ पैंट, यही पहन के वो वहां रहता था। तो शनिचर का जब जब हम संकलन करते हैं तो हमारे विद्यार्थी फिल्में देखते होंगे, राजा बाबू फिल्म एक आई थी, उसमें शक्ति कपूर को उसी तरह का कुछ उस भेद में उस फिल्म में प्रस्तुत किया गया था। शनिचर हूबहू वही उसका रूप है और प्रहसन भी लगभग वो उपन्यास में उसी रूप में करता है। तो राजा बाबू का जो में जो शक्ति कपूर था, उसका नाम नहीं याद है कौन सा पात्र बन के आया था गोविंदा के साथ, वही लगभग रूप उसी रूप में ये शनिचर इस उपन्यास में प्रस्तुत हुआ है। अब देखिए कि शनिचर को जब प्रधान बनाना था, उससे पहले शनिचर चला जाता है बीडीओ से मिलने, एडीओ से मिलने, जो विकास के अधिकारी है, और उनसे मिलकर गांव में विकास की योजनाओं पर बात करके आता है और कहता है कि पीछे का जो ऊसर है वहां ये कंपनी लगेगी और यहाँ ये कंपनी लगेगी, यहाँ ऐसे होगा, वहां ऐसे होगा, ये सारी योजनाएं आकर वैद्य जी से साझा करता है। और इस काम में उसका सहयोग कौन करता है? वह सहयोग करता है जिसके नाम से चर्चा ही है कि वह सरकारी योजनाओं के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वही इसको लेकर एडीओ से मिलने के लिए जाता है। वैद्य जी प्रसन्न होते हैं शनिचर के इस काम से कि शनिचर ने तो बहुत अच्छा काम किया, शनिचर आगे बहुत अच्छा काम करेगा। अब देखिए कि क्या होता है, वैद्य जी शनिचर को ग्राम प्रधान बनवाते हैं और उसके लिए सारे हथकंडे अजमा देते हैं जो राजनीति में अजमाए जाते हैं, हर तरह के, जबकि शनिचर को न बनने देने में कई लोग इसके उन उसके विरोध में रहते हैं, जिनमें रंगनाथ, रूपन बाबू और भी कई लोग, लेकिन वैद्य जी तो वैद्य जी है और वैद्य जी के सामने इन लोग ये लोग बहुत छोटे खिलाड़ी हैं। और अंत में शनिचर गांव का प्रधान होता है और वो प्रधानी करता है। अब बताइए, समझिए जरा कि शनिचर और बद्री पहलवान जैसे लोग जब गांव के विकास की बात करेंगे
वह गांव का विकास किस रूप में जाएगा, और वह भी वैद्य चिकित्सा पर। तो भारत की जो राजनीति है, खासकर इस उपन्यास में कांग्रेस की राजनीति को बड़ी निर्ममता से उपन्यासकार ने दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो शासन काल रहा है और कांग्रेसी नेताओं ने इस तरह का समाज बनाया है और अपने इर्द गिर्द जिस तरह के जाल खड़े किए हैं, वह जाल कैसे हैं, वो समाज को कैसी दिशा दे रहे हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था यानी सन 1947 से लेके और 90 के दशक तक, बीच के कुछ समय को छोड़ दिया जाए, 2.5-3 साल जनता पार्टी कर रही है और बीच में थोड़े दिन लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, और फिर उसके बाद इनके जो लोग खड़े हुए हैं, यानी परिवार की जो राजनीति है, वह हर जगह एक भारत एक कांग्रेस बन गई है। यानी दिल्ली की कांग्रेस को देखकर शिवपालगंज भी एक कांग्रेस पैदा कर दिया, और उसके मुखिया वैद्य जी हो गए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बन के उभरे। ध्यान रखिए, इंदिरा गांधी के दो पुत्र थे, राजीव गांधी, संजय गांधी। संजय गांधी और राजीव गांधी दोनों दो तरह के हैं, दोनों की अलग अलग छवि है। वैद्य जी के भी दो ही पुत्र हैं, रूपन बाबू और बद्री पहलवान, और दोनों बिल्कुल दो तरह के हैं। दोनों की अलग अलग सोच है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समझ है, और गलत का साथ देने वाला इस पूरे उपन्यास में हर कोई है, जिसको जहां जगह मिलती है एक रंगनाथ को छोड़कर वो गलत के साथ खड़ा हो जाता है। यानी गलत को सही करना इस पूरे औपन्यासिक राजनीति का मर्म है। यानी जो भी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए गलत है, वो एक्चुअल गलत नहीं है, यह राजनेता कह रहा है वो सही है। अब समझिए कि इस उपन्यास ने इन चीजों को क्यों उठाया। भारत विकास की जिस दौड़ के लिए तरस रहा था, और सभी के मन में एक 1942 का आंदोलन जो हुआ, वो आंदोलन इसी बेस पर हुआ था कि हम आजाद होंगे और आजादी के बाद हमारे सामने ऐसी समस्याएं नहीं रहेंगी। देश ने बड़े शिद्दत से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, देश आजाद हुआ। आजादी के बाद पंडित जी देश के प्रधानमंत्री बने, और पंडित जी धड़ाधड़ योजनाओं के अंबार किए, कई हरित क्रांति, कभी श्वेत क्रांति, कभी ये क्रांति, कभी वो क्रांति, सारी क्रांति हुआ, औद्योगिकरण हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन 47 का जो भारत का समाज था, 80 में भी वो थोड़ा पीछे ही खिसका, आगे नहीं बढ़ा। योजनाएं लागू हुई, नीति भी बनी, नियम भी बने, लोग भी आए, फिर विकास क्यों नहीं हुआ? यह उपन्यास यही सवाल पूछता है समाज से, यही सवाल पूछता है उस समय की राजनीति से, और यही सवाल लेकर यह उपन्यास आज भी खड़ा है। इस पूरे उपन्यास में यही सवाल है कि सारी चीजें तो हुई, सब कुछ तो आया, लेकिन विकास नहीं आया। और विकास नहीं आया तो उसकी बलि कौन कौन थे, विकास की बलि देने वाले कौन कौन लोग थे? उसमें राजनेता थे, उसमें गुंडे थे, उसमें मवाली थे, उसमें प्रशासनिक अधिकारी थे, उसमें शिक्षक थे, उसमें प्रिंसिपल थे, उसमें देश के हर तरह के लोग थे। शोषण किसका हुआ? मतदाताओं का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे लोगों का। और राजनीति किसकी चमकी? जो राजनेता थे। इन सारे सवाल दो तरह के, मैंने उपन्यास ने सवाल भी खड़ा किया है विकास पर, राजनीति पर, और उपन्यास ने जवाब भी दिया है। आप समझिए कि जिस तरह के सवाल लेकर राग दरबारी खड़ा होता है, और नाम दिया जाता है राग दरबारी, यानी दरबार का राग गाने वाला, हर व्यक्ति दरबार का राग, हर व्यक्ति के लिए एक दरबार है, यानी शनिश्चर के लिए भी इस तरह से वैद्य का दरबार है, उसी तरह वैद्य के लिए भी किसी का और का दरबार है। और हाँ, ध्यान दीजिए, एक चीज छूट गई थी जो ऐड कर दो, कि जब शनिश्चर को ग्राम प्रधान बनाने की बात चलती है, तो उसमें लिखा है कि जो चुनाव अधिकारी आएंगे उनके लिए
सस्ती घड़ी का इंतजाम बैद जी ने कर लिया था। आप समझ लीजिए कि चुनाव कराने के लिए कोई अधिकारी आएगा तो चुनाव जीतना है तो अधिकारी को प्रसन्न करना पड़ेगा, और अधिकारी को जब प्रसन्न करना पड़ेगा तो प्रसन्न करने के लिए उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बहुत ही महीन लाइन खींच दिया है श्रीलाल शुक्ल ने इस उपन्यास में, और कहा है कि शनिचर को ग्राम प्रधान बनाने के लिए वैद्य जी ने अपनी तरफ से चुनाव अधिकारी को देने के लिए एक सस्ती घड़ी का इंतजाम कर लिया है, यानी कि बहुत ही सस्ती और छोटी सी घड़ी पर चुनाव अधिकारी बिक जाएगा। और हाथ उठवा के पहले प्रधानी तय की जाती थी, गांव में एक अधिकारी आता था, लोग हाथ उठाते थे गांव के लोग, और वो काउंट करके बता देता था कि किसके पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, और वो घड़ी लेकर शनिचर को ग्राम प्रधान घोषित करके सर्टिफिकेट देके चला जाता है, और वैद्य जी इंप्लीमेंट करा देते हैं गांव में कि शनिचर जी हमारे प्रधान हैं। ये यथार्थ है इस समाज का और इस देश का, इस पूरा का पूरा यह उपन्यास देखने में तो आंचलिक लगता है, यह एक अंचल विशेष की कहानी को लेकर चला है, लेकिन दरअसल वह अंचल विशेष पूरे भारत की कहानी है, भारत के एक एक इंच की कहानी है, भारत के राष्ट्रीय स्वरूप की कहानी है, भारत के विकास के निहितार्थ की कहानी है, और भारत की राजनीति में निहित उन तत्वों की कहानी है जो इस देश में सत्य है और हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वही जो योजना बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने योजना योजनाएं बनाई, तो हमें पता है कि योजनाएं हमारी संसदीय समितियों द्वारा बनाई जाती हैं, योजना आयोग पहले होता था, आजकल नीति आयोग है, तो योजना आयोग बनाता था, तो योजनाएं ऐसे बनती थी जैसे आज योजना बनी है, गांव में गई, गांव खुशहाली से झूम उठेगा, लेकिन खुशहाली से झूमने की बजाय गांव रुदाली से झूम उठता है, और हर व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन है। शिवपालगंज को कस्बा के रूप में दिखाया गया है, और कस्बा के इर्द गिर्द आपको पता है कि ग्रामीण इलाका ज्यादा होता है, क्षेत्र ज्यादा होता है, और पूरे उसको कस्बा पूरी की पूरी राजनीति का गढ़ बन गया है, और वैद्य जी उसको संचालित करते हैं। आप सब एमए के विद्यार्थी हैं तो आप राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, तो एक छोटी छोटी चीजें दो तीन बता दूं पीछे की। एक समय था जब राजनेता गुंडों मवालियों का इस्तेमाल करते थे अपने चुनाव जीतने के लिए, यानी 90 के दशक में। 90 के दशक के बाद जितने नामी गुंडे थे इस देश के, नामी बदमाश थे, अपराधी थे, साइको मर्डर करने वाले और डकैती करने वाले, तमाम तरह के, वो सारे चुनाव लड़े, सब के सब जीत कर संसद पहुंचे। आपको ध्यान होगा फूलन देवी भी पहुंची थी, ऐसे अनेक लोग पहुंचे, अनेक नाम है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, फूलन देवी, मारे पूरे देश के जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, चुनाव नहीं लड़ा दाऊद नहीं तो वो भी जीत जाता, चुनाव नहीं लड़ा हाफिज सईद भारत में नहीं तो वो भी जीत जाता, तो ऐसे लोग भी जीत के चले जाते। तो ये हमारे देश की राजनीति की सच्चाई थी कि राजनेता अपने को बचाने के लिए, खुद को आगे बढ़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस तरह के तत्वों का इस्तेमाल करते थे, इस तरह के तत्वों को बढ़ावा देते थे, इस तरह के तत्वों को आगे बढ़ाते थे। अब हम इस पूरे उपन्यास के अंत की तरफ चलेंगे, और आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से यह उपन्यास क्या है, कैसे है, तो इसको एक एक लाइन में मैं आप लोगों को समझा दूं विद्यार्थी की दृष्टि से, कि एक व्यंग्य प्रधान उपन्यास है, यह उपन्यास यथार्थ केंद्रित है। उपन्यास में भारतीय समाज के विकास का निर्मम चित्र प्रस्तुत किया गया है, राजनीति की आंतरिक घपलेबाजी को उपन्यासकार ने बड़ी शिद्दत से जगह दी है, ग्रामीण विकास क्या के नाम पर
जो लूट मची है भारत में उसको उपन्यासकार ने नंगा कर दिया है। शिक्षा के संस्थानों में जिस तरह के लोग सक्रिय हैं और जिस तरह की गुंडई बदमाशी और बेकारी हावी है, अध्यापकों का जो चरित्र है, अध्यापक और प्रधानाचार्य जिस तरह के लोगों के साथ घोटाले में मिलकर काम करते हैं, उन सारी चीजों को उपन्यासकार ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दिखाया है। शिक्षित समुदाय एक तरह से इस देश में हारा हुआ समुदाय बनकर रह गया है, जिसके प्रतिनिधि रंगनाथ है, और अंत में वह इस व्यवस्था के सामने पलायन कर जाता है, भाग जाता है मैदान छोड़कर। यानी इस देश का शिक्षित वर्ग देश की समस्या के सामने खड़ा होने लायक भी नहीं बनता, यह इस उपन्यास का यथार्थ है। और इस तरह के यथार्थ को लेकर राज दरबारी की रचना हुई है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी लिखते समय प्रासंगिक थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने गंभीर विषय पे अपनी बात रखने के लिए, और उम्मीद है विद्यार्थियों को ही नहीं विद्यार्थियों के साथ साथ मुझे भी बहुत दिनों बाद, क्योंकि ये मेरी बहुत ही पसंदीदा उपन्यासों में से एक है राग दरबारी, तो लगातार पढ़ने का तो वक्त नहीं मिलता क्योंकि एक दो बार उपन्यास पढ़ ले उसके बाद एक लंबा अंतराल हो गया था, तो बहुत सारी चीजें रिकॉल हो जाती, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा कि कई सारी बातें निकल के सामने आई। क्योंकि जब हम राग दरबारी की बात करते हैं तो उससे पहले निरंतर, चाहे प्रेमचंद से पहले वाले युग हो, प्रेमचंद युग हो, प्रेमचंद उत्तर युग हो, उसमें उपन्यास निरंतर आते रहे। एक जो नॉर्मल से विद्यार्थियों के दिमाग में सीधा सारा प्रश्न आता है ना, जब हम बात करते हैं कि आंचलिक उपन्यास या व्यंगात्मक उपन्यास या यथार्थ के बाद लिखा गया उपन्यास, तो वो विद्यार्थियों में कॉन्फ्यूजन इस पे बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ आता है, तो उनका ये रहता है कि यथार्थवाद भी तो वही है जिसका हम लोग चित्रण सीधे सीधे तौर पर करते हैं, और आंचलिक उपन्यास, आंचलिक में बोल रहा हूँ, और ये व्यंगात्मक उपन्यास, व्यंगात्मक उपन्यास भी होगी जिसका हम लोग सीधा चित्रण करते हैं, तो कि दोनों में फर्क क्या होता है, तो मैं आपसे बस इस पे चाहूंगा कि ये चीज क्लियर करें ताकि विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो। ठीक है अक्षय जी, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि व्यंग है क्या। व्यंग वह है जो सीधे न कहा जाए। ध्यान रखिएगा, व्यंग सीधे नहीं कहा जाता और यथार्थ सीधा सीधा कहा जाता है। बेसिक फर्क क्या है कि जो बात सीधे सीधे न कही जाए, यानी श्रीलाल शुक्ल जो थे, कौन थे? प्रशासनिक अधिकारी थे, और प्रशासनिक अधिकारी अपने प्रशासन के विरुद्ध कोई बात सीधे सीधे कैसे कह देगा? तो उसने किसका सहारा लिया? व्यंग का सहारा लिया। और व्यंग क्या होता है? सटायर किसको कहते हैं? अंग्रेजी में सटायर कहते हैं इसको। क्या होता है? यानी किसी भी बात को चुटीले अंदाज में कह देना। यानी हम कह तो रहे हैं आपका आपको हंसने के लिए, लेकिन उसके मर्म में कुछ और है। तो व्यंग एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, कई बार में समझ में आएगा, और व्यंग में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो देर से समझ में आती है। तो व्यंग समझने सबसे पहली बात यह है कि सीधे से नहीं समझना। यथार्थ बहुत सीधा होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उपन्यास में जो यथार्थ लिखा जाता है वह यथार्थ भी सीधा नहीं होता। यानी यथार्थ वह उपन्यास का यथार्थ वह नहीं है जो हमने देखा वही लिख दिया। यथा तथ्य निरूपण, जिसे हिंदी में एक शब्द दिया गया यथा तथ्य निरूपण, तो उपन्यास का यथार्थ जो है वह यथा तथ्य निरूपण नहीं है। ठीक है, यथार्थ उपन्यास और व्यंग उपन्यास में जो फर्क है वो ये समझ लीजिए कि उपन्यास किसी भी विधा के उपन्यास हो, ऐतिहासिक उपन्यास हो, सामाजिक उपन्यास हो, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास हो, माने और भी कई तरह के जो उपन्यासों की धाराएं हो उसमें हो, वो यथार्थ हो सकता है। लेकिन जो व्यंग उपन्यास लिखे जाते हैं, जिनमें व्यंग लिखा जाता है, वह निश्चित तौर पर यथार्थ ही होगा। व्यंग कभी भी यथार्थ अलग नहीं हो, यानी आदर्श पर कभी व्यंग नहीं हो सकता।
सेवा सदन में अगर आप व्यंग खोजेंगे तो नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कैसा उपन्यास है? आदर्श उपन्यास है। गोदान कैसा उपन्यास है? आदर्शोन्मुख यथार्थ है। लेकिन राग दरबारी कैसा उपन्यास है? निर्मम यथार्थ है, कटु यथार्थ है, एकदम सत्य है। और शैली कौन सी है? व्यंग की शैली है। अगर सीधे सीधे राग दरबारी की रचना हो जाती और कह दिया जाता कि यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, यहाँ इतने इस तरह के राजनीति है, यहाँ इस तरह के नेता है, तो क्या उपन्यास का जो शक्ल बनी है वह शक्ल बन पाती? क्या नहीं बनती। मैला आंचल अगर सीधे सीधे लिख दिया जाता, और चूंकि वो आंचलिक है, लेकिन आंचलिक होते हुए भी राष्ट्रीय व्यवस्था पर वह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और गांधी महात्मा, गांधी महात्मा उसमें इस्तेमाल होता है शब्द, उस पूरे के पूरे गांधीवाद को जिस तरह से वर्णित करता है, क्या यथार्थ उसी तरह वर्णित होता है? नहीं। तो व्यंग कर देने से, व्यंग के माध्यम से अपनी बात रखने से जो यथार्थ होता है वह और मार्मिक हो जाता है, इसीलिए लेखक व्यंग का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज और मुझे ध्यान आ रही है इस उपन्यास के संदर्भ में, कि जब बद्री पहलवान से या रूपन रंगनाथ कहते हैं कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, और वह खुद ब खुद कॉलेज की मैनेजिंग सोसाइटी का ना हो, नहीं हाँ देखिए, कॉलेज में 2 अध्यापकों से त्यागपत्र लेना होता है, और जिन अध्यापकों से त्यागपत्र लेना होता है उनके पक्ष में रूपन बाबू खड़े होते हैं, और जिन जिन्हें लेना है वो मैनेजर है, खुद बैच की खड़े होते हैं। मीटिंग होती है, मीटिंग में बैच जी जबरन उन अध्यापकों से त्यागपत्र साइन करा लेते हैं, जिसका रूपन बाबू वही प्रतिकार करते हैं और कह रहे हैं कि यह नहीं होगा, यह गलत है। इसी बात को लेकर घर आने पर रंगनाथ कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ध्यान रखिए, 10वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी ज्ञान कैसा है, क्या कह रहा है कि गांधी बनने से काम नहीं चलेगा, और आकर घर में शराब पीता है, खूब शराब पीता है और शराब के नशे में रहता है। तो उसको रंगनाथ कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कहता है कि अगर जीना है तो अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, और गांव में जीने के लिए यही रास्ता ठीक है, गांधी बनने से काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, गांधी बनने से काम नहीं चलेगा बहुत मार्मिक टिप्पणी है, यह व्यंग में ही कही जा सकती है, यथार्थ में नहीं कही जा सकती। यही यथार्थ और व्यंग में अंतर है, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप सवाल करिए, मैं फिर बताऊंगा। जी सर, बात तो समझ में आती है विद्यार्थियों के दृष्टि से, क्योंकि हाँ हमारा कई बार क्या कुछ जो छोटी छोटी चीजें होती है ना बारीक से, तो विद्यार्थी कॉन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। आप और हम चूंकि लगातार निरंतर इन क्षेत्रों में, तो एक समझ एक विकसित हो जाती है, लेकिन विद्यार्थी शरण में है तो हल्की फुल्की डाउट उनको आते रहती है। जिस तरह आगे बढ़ते हैं और विद्यार्थी कुछ प्रश्न लेते हैं, हाँ एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि राग दरबारी के नामकरण के बारे में बताइए, मतलब राग दरबारी एक तरह का, क्योंकि उस काल में जो उपन्यास के नाम हो रहा था उससे हल्का भिन्न एक नाम है राग दरबारी, तो उसी इस तरह से नामकरण पे प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत सही, इसको आसिफ जी ने पूछा है ना। हेलो, राग दरबारी के नामकरण के बारे में मैंने बताया था कि जब मैं बोल रहा था उस समय शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि दरबार का मतलब होता है दरबार, और इस उपन्यास में दरबार का जो जिसे दरबार कहा गया है वह वैद्य जी का बैठका है, वैद्य जी का दरवाजा है, वही दरबार है, और जो लोग उस दरबार की राग यानी दरबार के आदेश का पालन करते हैं, दरबार के प्रति निष्ठावान है, समर्पित है, और उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वही बचे हुए हैं, नहीं तो राजनीति के शिकार हो जाएंगे और वो वहां नहीं रह सकते। इसके अनेक उदाहरण हैं, सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को निकाला गया है, कॉलेज में 2 अध्यापकों को से त्याग पत्र लिया गया है, और भी बहुत सारी जगह हैं। खुद अपने लड़के भी जो हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं वो चित हो जाते हैं वैद्य के राजनीति के सामने। तो वही दरबार है और उसी का वह राग है कि उसकी हाँ, यानी सत्ता है, यानी दरबार वो कौन सा है, दरबार सत्ता सत्ता है, और सत्ता की हाँ में हाँ जो लोग मिला रहे हैं वो उसकी राग को गा रहे हैं,
वो बचे हुए हैं, अंधा बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए इस उपन्यास का राग दरबारी रखा गया है कि आपको किसी न किसी की हाँ में, वैद्य जी की हाँ में हाँ वहां के लोग मिलाते हैं, वैद्य जी किसी और की हाँ में हाँ मिलाते हैं, कोई और लोग किसी और, यानी हर आदमी एक दूसरे के दरबार का दरबारी है, और जो दरबारी है वो दरबार का राग गा रहा है। यही इस उपन्यास, इसीलिए इस उपन्यास का नामकरण, और बहुत ही मतलब सही नामकरण हुआ है इस उपन्यास का, राग दरबारी, जो पूरे उपन्यास के यथार्थ को एक मतलब दो शब्दों में, राग दरबारी में व्यक्त कर देता है। जी सर, निश्चित तौर पर इसका एक सीधा सीधा अगर हम उदाहरण दें तो यहाँ से भी विद्यार्थियों को समझा सकते हैं कि जब हम भक्ति काल की या रीति काल की बात करते हैं उसमें एक शब्द हमेशा आता है, दरबारी कवि, दरबारी कवि, जिसे विद्यार्थियों ने चारण, चारण काल जी 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 चारण काल में तो दरबारी कवि का एक जी, शब्द हमेशा उनके सामने आता है। तो दरबारी कवि का आप वहां से भी समझ सकते हैं कि उन कवियों को जो दरबार में रहा करते थे और अपने राजा महाराजाओं को गुणगान करते थे उनके लिए गाना, तो इसका भी संदर्भ यही बिल्कुल चीज। बिल्कुल बिल्कुल एकदम वही है, वही है। बहुत जी सर, अच्छा, मुझे आप ध्यान नहीं आ रहा था, आपने पूरा कर दिया। जी 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 सर, और एक विद्यार्थी आशीष जी ने और एक प्रश्न पूछा है कि व्यंग उपन्यास, व्यंगात्मक उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? देखिए, उपन्यास की जो सामान्य विशेषताएं होती हैं वही विशेषताएं इसकी भी होती हैं, कोई इसमें बहुत अलग थे। सिर्फ मैंने पहले बताया ना कि दो तरह की, एक कंटेंट होता है, एक स्टाइल होती है। उपन्यास के दो पक्ष हैं, कंटेंट है ठीक है, यानी जो उसका कंटेंट है, जो उसका कथा, और स्टाइल है, स्टाइल का मतलब जो उसकी शैली है। तो व्यंग्य एक शैली है, और व्यंग्य की प्रमुख विशेषताओं में यह है कि जो बात सीधे सीधे न कही जाए, उसे घुमाकर कहा जाए, उसे चुटिले अंदाज में कहा जाए, उसे किसी और परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, वह व्यंग्य है। और यही इस व्यंग्य उपन्यास की विशेषता है कि उसमें हास्य भी रहेगा, उसमें गंभीरता भी रहेगी, लेकिन अंदाज अलग रहेगा हमेशा। वो कोई भी बात सीधे सीधे नहीं है, एक सेंटेंस आपको सीधा नहीं मिलेगा, हर जगह है आपको कोई ना कोई ऐसी चीज मिलेगी जो घुमा के कही गई हो, जो चुटिले अंदाज में कही गई हो, ठीक है, जिससे हास्य और विनोद पैदा हो, लेकिन बात तो मर्म की है। जी जी यही निश्चित तौर पर, इसकी मुझे लगता है कि विशेषता जी, नहीं राग दरबारी को लेकर श्रीलाल शुक्ल जी ने स्वयं भी कहा था कि मतलब उनकी बाकी है। रचनाओं इससे बेहतर थी, लेकिन बाकी रचनाओं की जगह श्रीलाल शुक्ल ने आपका एक बार इंटरव्यू दिया था जब साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिलता है, तो इस किताब को लेकर के वो खुद कहते हैं कि जो वो पहली किताब लिखते हैं अंगद का पांव, चाहे उसके बाद भी बहुत सारी रचनाएं जैसे मकाम हो गया, विश्रामपुर का संत हो गया, राग विराग हो गया, इसको तो लेकर श्रीलाल शुक्ल स्वयं कहते हैं कि मैंने राग दरबारी को लेकर उतना ज्यादा खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में राग दरबारी से बहुत अच्छी रचनाएं लिखी है, किंतु राग दरबारी एक साहित्य अकादमी पा गया, उसके लोगों को पसंद आ गई व्यंगात्मक शैली, तो इस वजह से उनके बाकी उपन्यास उतने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाए। इसकी वजह यह भी है कि इसकी अगर हम अगर जिन विद्यार्थियों ने अगर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, तो मैं उनसे कहूंगा कि स्वयं पढ़े एक बार राग दरबारी, क्योंकि मेरी भी बहुत ही पसंदीदा उपन्यासों में से। जब राग दरबारी जब शुरू होती है ना वहां से, क्योंकि जब हम उपन्यास पढ़ते हैं, कोई भी उपन्यास पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, 200-300 पन्ने के उपन्यास रहते हैं, शुरू से हमको थोड़ी बहुत बोरियत होने लगती है, लेकिन ये उपन्यास है जिसे अगर पहले पृष्ठ से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इसको बिना खत्म किए नहीं रह सकते, इतनी बेहतरीन शैली इस उपन्यास की है। जी सर, आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न लेते हैं, विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है, वो लिखती है कि इस उपन्यास में यथार्थवादी चिंताधारा और व्यंग्य शैली के अलावा किसी और आधार पर चित्रण किया गया, मतलब इन दोनों के अलावा और किन चीजों का चित्रण किया गया है, यथार्थवादी चिंताधारा और व्यंग्य शैली के अलावा किन बातों को ध्यान में रखकर इसका चित्रण किया गया? मैंने पहले कहा कि व्यंग में यथार्थ नहीं थे, यथार्थ व्यंग अलग अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब व्यंग होगा तो उसका कोई ना कोई यथार्थ होगा, कभी भी व्यंग किसी मतलब आदर्श का पर व्यंग नहीं होता है, व्यंग हमेशा यथार्थ के लिए होता है, उसे आईना दिखाने के लिए, व्यंग आईना दिखाता है ना, आप जैसे हैं वैसा ही दिखा देता है, लेकिन घुमा कर दिखाता है, आपको बताता है कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे हैं। इस उपन्यास में की जहां तक बात है, तो यथार्थ इस उपन्यास का आधार है और व्यंग्य इसकी शैली है, यानी कि यथार्थ यानी कथ्य का आधार है और व्यंग्य इसकी शैली है, लेकिन इसके अलावा और कोई शैली इस उपन्यास में
कम से कम मैं नहीं पाता, क्योंकि दो तीन से देखो मनोविश्लेषणात्मक शैली है, एक फ्लैशबैक हो गया, तो ये मनोविश्लेषण का तो कहीं इस उपन्यास में दिखता ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और फ्लैशबैक भी इसमें कुछ नहीं है, जो है सो सामने है। तो मुख्य रूप से इस उपन्यास को यथार्थ यथार्थ के आधार पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। जी सर, हेलो, निश्चित तौर पर। जी सर, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब हम लोग राग दरबारी को उठाते हैं व्यंगात्मक, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पंक्ति हैं जिसे हम पढ़ते हैं तो आज भी बहुत यथार्थ, जहाँ पे वो एक पंक्ति है जब मुझे याद आ रहा है, जहाँ पे श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है वो पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। यही नहीं, बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी व्यंग, जैसे शिक्षा पद्धति पर कहना सही होगा नहीं होगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। तो ये शैली उस दौर हाँ में और किसी उपन्यासकार में इतनी साहस नहीं हुई कि वो एक पद पर रहते हुए इतनी बारीकियों से इतनी सटीक तौर पर सत्ताधारी के पक्ष के लिए कुछ लिख जाए। उनके साथ काम करते हुए, सत्ता पक्ष में काम करते हुए कई बार कई मंत्रालयों में सेक्रेटरी तक गए श्रीलाल शुक्ल, और सेक्रेटरी होते हुए भी उन्होंने ऐसे उपन्यासों की रचना की। जी, इसी से जुड़ा हम लोग बात भी कर रहे हैं और इसी पे जुड़ा हुआ आशीष जी ने प्रश्न पूछा है, इस उपन्यास में लेखक किन किन बातों को व्यंग किया है, किन किन बातों को व्यंग किया है। देखिए, बिना व्यंग के इस उपन्यास में एक भी बात नहीं कही गई है। ठीक है, जब व्यंग उपन्यास लिखा जाता है, व्यंग उपन्यास अगर किसी उपन्यास को कहा जाता है, तो इसका मतलब कि उसका उसके कहने का पूरा आधार ही व्यंग है। आप पहली लाइन राग दरबारी की शुरू कीजिए, अगर आप नहीं पढ़े तो राग दरबारी पढ़िए। पहली लाइन, पहला शब्द जहां से शुरू होता है, तो क्या है, सिपालगंज की एक सड़क है, उस पर एक ट्रक जा रहा है, और वो कहते हैं कि ट्रक सड़क के साथ वही बर्ताव करता है ना, बड़े ही एक अजीब तरह का शब्द प्रयोग करते हैं। तो शुरू से लेकर और अंत तक, हर जगह, हर मोड़ पर, हर पैराग्राफ में आपको व्यंग ही व्यंग मिलेगा। तो उसमें कोई एक जगह पहचान लेना कि इस जगह पे व्यंग हुआ है, ये थोड़ा कठिन है। पूरा का पूरा उपन्यास ही व्यंग प्रधान उपन्यास है, हर जगह व्यंग है, इसमें हर लाइन में व्यंग आपको मिल जाएगा। कि आप किसी का चरित्र देख लीजिए, जैसे जब वो वैद्य जी के बारे में बताते हैं, तो वैद्य जी का जैसा चरित्र कहते हैं कि वैद्य जैसे है वैसे है नहीं, वैसे जैसे दिखते हैं या जैसे बने हुए हैं या जैसे अपने को शो करते हैं, वैसे नहीं है। वैद्य जी बड़े बहुत मतलब चरित्रहीन व्यक्ति हैं। ठीक है, उसी तरह से रूपन के बारे में दिखाते हैं, रूपन का क्या काम है, उसी तरह बद्री के बारे में दिखाते हैं। फिर एक-एक व्यक्ति का जब चरित्र चित्रण करते हैं, तो उसमें व्यंग्यात्मक शैली ही लेते हैं। जब प्रिंसिपल जी कहता है रंगनाथ को कि तुम पढ़े लिखे तो हो लेकिन गधे हो, अब देखिए कि प्रिंसिपल रंगनाथ जैसे विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या कहता है कि तुम पढ़े लिखे तो हो, जानकार हो, लेकिन गधे हो। पढ़े लिखे का मतलब क्या हुआ, जो उस व्यवस्था के साथ अपने आप को फिट कर ले। प्रिंसिपल ने अपने आप को फिट कर लिया है वैद्य जी के साथ, तो जो फिट कर ले, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, वह तो सही, उसको माना जाएगा कि पढ़ा लिखा है, लेकिन जिसने विरोध कर दिया, जो हाँ में हाँ नहीं मिलाया, वो पढ़ा लिखा नहीं है। यही इस उपन्यास का व्यंग है। जी सर, इस उपन्यास में राजनीति, शिक्षा, समाज सब पे हर जगह कहीं ना कहीं, जैसा याद आता है एक जगह उपन्यास में एक शब्द है जो सामाजिकता पे अच्छा व्यंग करता है, उसमें एक है कि स्टेशन स्टेशन वैगन से एक अफसर नुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर उतरे, ये एक बहुत व्यंग है जो बिल्कुल सुनने में बहुत उसको भी अलग सा लगता है। उसके बाद फिर आप समझे समाज को एक यथार्थ के तौर पर, वो एक जगह कहते हैं कि कहाँ तो घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे ही रिसर्च कहते हैं, यहाँ शिक्षा व्यवस्था पे इसे ही बात होती रिसर्च है। करते हैं। हाँ जी, एक जगह वो कहते हैं कि गालियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में है, इसी तरह हृदय परिवर्तन के लिए रौब की जरूरत होती है और रौब के लिए अंग्रेजी में, तो इस तरह के शिक्षा व्यवस्था पे जो वो तर्क कहते हैं, अपनी बातें रखते हैं, यही सब चीज है जो इस उपन्यास को बहुत बेहतरीन बनाता है। एक जगह से शिक्षा व्यवस्था, जो अभी हमारी क्लास भी चल रही है, मुझे अचानक से याद आया, तो शिक्षा व्यवस्था पे एक जगह तंग कसते हुए श्रीलाल शुक्ल लिखते हैं कि लेक्चर का मजा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे मैं बकवास कर रहा हूँ और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ।
तो यही कुछ चीजें हैं जो इस उपन्यास को श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम उपन्यास की कड़ी में ला करके खड़ी रखती है। जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। एक विद्यार्थी ने और प्रश्न पूछा है, उनके प्रश्न लेते हैं। राग दरबारी में व्यंग की औचित्य अनौचित्य के बारे में थोड़ा समझे, मतलब ये औचित्य है कि किस तरह औचित्य, किस तरह अनौचित्य है, इस पे वो प्रश्न पूछते हैं, इसमें जो व्यंग का उपयोग किया गया। बड़ा कठिन सवाल है इनका। जी देखिए, अगर औचित्य नहीं होता, इस उपन्यास के व्यंग का औचित्य नहीं होता, तो यह उपन्यास इतने सार्थक उपन्यास में नहीं गिना जाता, पहली बात। दूसरी बात कि व्यंग ही है जिसने इस उपन्यास को यह ऊंचाई दी है, और व्यंग ही है जिसे लोगों ने इसे पसंद किया है। अगर व्यंग को हटा दिया जाता, व्यंग के औचित्य को छोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है कि इस उपन्यास में कुछ नहीं बचेगा। कथ्य में बहुत ही कमजोर उपन्यास है, और कई लोगों ने इसकी आलोचना में यह कहा था कि श्रीलाल शुक्ल ने बहुत ही कमजोर कथ्य को चुना, इसीलिए व्यंग की सहायता लेकर इस अपने उपन्यास को बचा लिया, अन्यथा यह उपन्यास पीट जाता और इसको 100 पाठक भी नहीं मिलते। लेकिन व्यंग की सहायता से लेखक ने अपने उपन्यास को वो ऊंचाई दे दी जो बहुत सारे कथ्य प्रधान उपन्यासों को भी नहीं मिली। तो पूरा का पूरा उपन्यास ही व्यंग के औचित्य के साथ है। ऐसा नहीं है कि इसका औचित्य नहीं है। औचित्य अगर नहीं होगा तो फिर यह उपन्यास शायद, मुझे लगता है कि इतना सार्थक उपन्यास के रूप में इसकी गिनती नहीं होती। जी सर, निश्चित ठीक तौर है। पे। जी सर, ग्लोरी जी को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि इस उपन्यास, ये भी हम इस उपन्यास की बात करते हैं, व्यंग इस उपन्यास में है, लेकिन व्यंग ये सीधा सीधा तौर पर उस समय की सत्ता पक्ष को लेकर के है, जहाँ पे गांव को दिखाया जाता है, वो गांव को सत्ता पक्ष का एक उदाहरण दिखाया जाता है। और उस समय सत्ता पक्ष किन की थी, कांग्रेस सरकार की थी, जहाँ पे यहाँ पे कांग्रेस सरकार का गांधी परिवार को गाँव की तरह दिखाया गया है। उनके दो पुत्र थे, गांधी परिवार के भी दो पुत्र थे, उसका जीता जागता। तो चूंकि सत्ता में रहते हुए आप सत्ता से बैर नहीं कर सकती, एक बहुत पुराना उदाहरण है, जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था, उनकी एक किताब भी है जिसमें उन्होंने पढ़ा था, उसमें एक शब्द आता है, वो लिखते हैं कि आप कितने काबिल हो ये आपकी योग्यता निर्धारित नहीं करती है, ये राजनीति निर्धारित करती है आप कितने योग्य हो। और आप अगर राजनीति के समान नहीं चलोगे तो आपको उस तरह से निकाल कर फेंका जाएगा जैसे दूध में गिरी हुई मक्खी। तो बात यह है कि जब आप औचित्य अनौचित्य की बात करते हैं, तो बात सीधा यहाँ पर खड़ी यह होती है कि जो लेखक थे उस दौर में, वो एक तरह से ब्यूरोक्रेसी में थे, ब्यूरोक्रेसी सरकार के अंतर्गत आती है, सरकार गांधी परिवार की थी, वो सीधे सीधे उस पर कुछ व्यंग नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने एक परिवार का, एक गांव का चरित्र चित्रण किया। उस गांव को किसके रूप में रखा, कांग्रेस और गांधी परिवार के रूप में रखा, उस पे उन्होंने व्यंग लिखा। तो यही औचित्य अनिश्चित्य के बारे में अगर आपको समझना हो, तो आप इससे बेहतर उदाहरण के द्वारा आप नहीं समझ सकते। ये गांव है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे उस उपन्यास को, आपको पता चलेगा, आपके दिमाग में एक तरफ वो कहानी आप समझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चलेगा ये पूरा का पूरा व्यंग आज की उस दौर की, जो गांधी परिवार था, वहां की राजनीति थी, उनका घर परिवेश था, वहां पर जो जी हुजूरी चलती थी, जिसे उठाकर उन्होंने राजदरबारी का नाम लिया, सीधा सीधा उसी के ऊपर एक व्यंग करता है। जी सर, सर अभी वर्तमान में तो कोई प्रश्न नहीं है, विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूँ कि जी इसके जी अलावा अगर बहुत किसी अच्छा, उनके बहुत को, बढ़िया। जी सर, कोई बंद और उनके कोई प्रश्न हो तो सीधे तौर पर सर के समक्ष रख सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट करके। तो विद्यार्थियों, आपके प्रश्न सादर आमंत्रित है, अपने माइक को अनम्यूट करके आप सीधे तौर पर सर से भी, विषय विशेषज्ञ से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी, पूछिए अपना प्रश्न पूछिए। सर, हेलो ये रचना जी, कब हुआ है, ये राग दरबारी? हाँ राग दरबारी रचना कब हुई है? सर, जी सर, वो पूछ रहा है राग दरबारी की रचना कब हुई थी, दरबारी। राग दरबारी की। जी सर, हेलो,
हेलो हेलो, क्या पूछ रहे हैं? जी सर, वो पूछ रहे हैं कि राग दरबारी उपन्यास की रचना कब हेलो, हुई थी। राग दरबारी की रचना कब हुई है? जी, हेलो, जी सर वही पूछ रहे हैं कि राग दरबारी की रचना कब हुई थी। 1968 68 सर, है अड़सठ क्या? है। जी शायद जी सर, 68 है। राग दरबारी की, 1968 में ही हुई थी, हाँ, 68, 1968 में 1968। जी, और 1970 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसको मिला था, हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको 70 में मिला था। 1900 मतलब सत्तर मिला था उन्यासी या 69 वाला था? 69 में सर, 70 में मिला था, 70 में उनहत्तर मिला में था। ठीक, जी सर नामांकन इसकी हुई थी 69 में, 1970 में इसे साहित्य अकादमी दिया था। हाँ, 69 में हुआ1962 था, में 70 में मिला था। ठीक है। 1962 के बाद श्री प्रकाश शुक्ल इस उपन्यास को लिखना शुरू करते हैं। 1966 और 67 के लगभग ये उपन्यास खत्म होता है उनका लिखना। 1968 में छप के आता है, एक वर्ष के अंदर ही 1969 में ये मनोनीत होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए, और वर्ष 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। ठीक जी, है। इसके इतर अगर किन्हीं विद्यार्थियों को कोई प्रश्न हो तो वो सर के और समक्ष कोई रख सकते हैं। सवाल? जी सर, और वही एक दो चीज बता। मैं और जोड़ना चाहता हूँ इसमें अक्षित जी जी, सर, जी कि सर, जी सर, बिल्कुल। सबसे मतलब मेरा निवेदन यह है विद्यार्थियों से कि आप सब लोग इस उपन्यास को जरूर पढ़ें एक बार। मैंने जो कुछ बताया है, अगर इसके बाद उपन्यास आप पढ़ लेंगे तो वो सारी चीजें पुख्ता हो जाएंगी, आपके समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर छोड़ देंगे तो फिर ये सब कुछ भूल जाएगा। तो उपन्यास को पढ़ना या टेक्स्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट को पढ़ना, फिर जो हमने बताया है, अगर आप नोट किए होंगे तो उसको कोरिलेट करना और उसके आधार पर अपने चिंतन को आगे बढ़ाना, यही पढ़ने का तरीका होता है। टेक्स्ट, बिना टेक्स्ट पढ़े सिर्फ लेक्चर के आधार पर या नोट्स के आधार पर पढ़ना मेरे हिसाब से उतना सार्थक नहीं होता। तो टेक्स्ट एक बार आप लोग जरूर पढ़िए, और ऑनलाइन इसका टेक्स्ट मिल जाएगा आपको, नेट पे उपलब्ध है इसका पीडीएफ फाइल राग दरबारी का, और आप पढ़ सकते हैं। जी सर, निश्चित तौर ठीक पे है मैं भी अभिषेक विद्यार्थियों से यही जी। आग्रह करूंगा। जी सर, आपने बहुत सही कहा कि प्रेमचंद काल के उपरांत अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरी पसंदीदा रचना, तो प्रेमचंदोत्तर काल के बाद अगर मेरी पसंदीदा रचना में दो रचनाएं, एक तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की, और दूसरी राग दरबारी, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय उपन्यास है। तो मैं विद्यार्थियों से भी आग्रह करूंगा कि समय निकाल करके राग दरबारी, क्योंकि ये ज्यादा पृष्ठों में लिखी नहीं गई है, बहुत पतली सी उपन्यास है, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। इस उपन्यास को पढ़ें तो आप उस दौर को, उस दौर के साहित्य को, उस दौर के इतिहास को समझ पाएंगे, और जो आपको और बेहतर बनाएगा, आपकी लेखनी को, आपकी कौशल को और बेहतर करेगा। अगर किन्हीं विद्यार्थियों के प्रश्न है तो वो अपने प्रश्न रख सकते हैं, अन्यथा चूंकि समय भी हो रहा है। किन्हीं विद्यार्थियों को अगर प्रश्न लिख करके पूछने में दिक्कत हो रही हो तो माइक को अनम्यूट करके भी अपने प्रश्न रख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी अगर आपके प्रश्न हो इस उपन्यास को लेकर के आपके मन में, तो समय है, आप अपने प्रश्न सर के समक्ष रख सकते हैं। कोई नहीं सर, विद्यार्थियों को लग रहा है प्रश्न, विद्यार्थी बहुत ज्यादा समझ गए हैं, मुझे भी नहीं पता। अच्छा सर, एक प्रश्न आया, मैं उस प्रश्न को लेने से पहले मैं अपनी एक जिज्ञासा के तौर पर अपने एक प्रश्न आपके समक्ष रखूंगा इस उपन्यास से जुड़े हुए। सर, जब हम देखते हैं राग दरबारी उपन्यास को पढ़ते हैं, एक व्यंग्यात्मक उपन्यास की शैली में उसे लेते हैं, और उस दौर में उस एक सत्ता पक्ष को लेकर व्यंग्यात्मक शैली से उन्होंने लिखा, इतना ज्यादा सफल हुआ, मैं बस एक जागरूकता के तौर पर यह पूछना चाहता हूँ, क्या इस उपन्यास के उदय या इस उपन्यास के इतने ज्यादा प्रभावी होने के बाद श्री प्रकाश शुक्ल के जीवन में
सत्ता पक्ष के तौर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कोई हलचल भूचाल, मतलब जो होता नहीं है, जो देखते हैं कि सत्ता के पक्ष में आप कुछ लिख दे तो सत्ता कहीं ना कहीं से आपके खिलाफ या आपके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र रचती है, आपको यातना देती है, या किसी भी तरह से, चाहे मानसिक हो चाहे कोई, इसके ऊपर नहीं तो थोड़ा पूछ रहा हूँ विषय से। एक बार फिर अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी, मैं यह कह रहा हूँ कि उस दौर में एक सत्ता पक्ष के विरुद्ध में उन्होंने कुछ लिखा, तो 1970 में तो साहित्य अकादमी उन्हें मिल गई, लेकिन आगे चल के उन्हें कुछ दिक्कत तो नहीं आई सत्ता पक्ष के विरुद्ध लिख करके, इस पर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है इस पर, मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सत्ता पक्ष से उन्हें किस असल तरह में के विरोध का सामना क्या रखना हुआ पड़ा। ना, जी नहीं वो तो देखिए लेखक को तो भी उनका सामना करना ही पड़ता है, लेकिन वह ऐसा दौर था कि आज की तरह अधिकारियों के साथ लेखकों के साथ सत्ता पक्ष मतलब पहले इस समय में जितने अमानवीयता सुधरी है वैसी स्थिति नहीं होती थी तौर पर। लेकिन देखिए विरोध में अगर आप लिखेंगे तो आपको भी विरोध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और सिलाल शुक्ल तैयार थे। लेकिन हाँ एक बात और समझिए कि सिलाल शुक्ल ये सारा कुछ लिखने के बावजूद भी सेक्रेटरी लेवल तक है, पीसीएस अधिकारी थे, युग में प्रमोटेड आईएएस हुए, और प्रमोटेड आईएएस के बाद उनको सेक्रेटरी बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, कई मिनिस्ट्रीज में थे। दूसरी चीज कि सिलाल का जो समय है 70 में मिल गया, उसके बाद ही तो भारत में आपातकाल की शुरुआत होती है, और जी भारत जी में सत्ता विरोधी लहर इस कदर फैली कि 75 में आपातकाल लगा और 77 गांव में सरकार बदल गई। तो सत्ता पक्ष को लाल शुक्ल पर बहुत ध्यान केंद्रित करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि यदि सत्ता पक्ष के बहुत बड़े बड़े विरोधी लोग खड़े हो गए और पूरा का पूरा जो उस समय का आंदोलन था वो तो शुरू हो गया था, और उस आंदोलन और आज की तरह मीडिया भी नहीं थी, आज की तरह व्यवस्था भी नहीं थी कि हर चीज लोगों को दिल्ली उपलब्ध हो जाए, तो यह उपन्यास साहित्य की पाठकों में तो जरूर बहुत लोकप्रिय हुआ। लेकिन सत्ता ने इसे उस तरह से ऐसा नहीं लिया कि कोई सत्ता को झकझोर दे बहुत, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरी जानकारी में नहीं है। और एक विद्यार्थी का सवाल आया है कि अरुण कमल जी का इस उपन्यास पर टिप्पणी है कि राग दरबारी समाप्त करके मुझे ऐसा लगा जैसे नरक की यात्रा से लौटा हूँ, जिसे लोग तीर्थ यात्रा मानते रहे हैं। यह अरुण कमल जी की व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ रहा हूँ कि आप भी इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा कि सच में यह व्यवस्था नरक ही है क्या, इस व्यवस्था में ऐसे ऐसे लोग हैं क्या, आपको भी लगेगा। और आप जब निकलेंगे उपन्यास खत्म करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आप भी विचलित हो जाएंगे कि हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं वो इतनी खतरनाक व्यवस्था है और इतने खतरनाक लोग हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो वो अरुण कमल जी के भाव है और उन्होंने उसे लिखा है, तो इसका मतलब यही है कि उपन्यास में जिस तरह की व्यवस्था को दिखाई गई है दिखाया गया है वह व्यवस्था ऐसी है जो मतलब आप झकझोरती है, आप उस पर अचक विश्वास नहीं कर पाते हैं कि अरे बाप रे हम जहाँ जी रहे हैं वहां ऐसी हालत है। तो यही वो कहना चाह रहे हैं, और उन्होंने तीर्थ इसलिए कहा कि यह उपन्यास बहुत लोकप्रिय हो रखा, तो उनको लगा कि इसकी लोकप्रियता ऐसी है तो इसका कंटेंट भी कुछ दूसरे तरह का होगा, लेकिन कंटेंट तो बिल्कुल व्यवस्था का निचोड़ था, एकदम आपको अनुभव करा देगा कि आप कहाँ खड़े हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा था। जी सर, निश्चित तौर पर। और अरुण कमल इसी जी भी लेखक हैं, आप लोगों को पता होगा बड़े लेखक हैं, जी 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 सर जी कवि भी सर हैं। उनकी एक बहुत मशहूर कविता है, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। जी जी जो बहुत प्रचलित भी हुई थी उनकी एक ठीक कविता है। है, जी और सर कोई जी सर सवाल ना है? सर, विद्यार्थियों का और तो कोई सवाल नहीं है। इसी के साथ सर, अगर आपकी अनुमति हो, क्योंकि विद्यार्थियों का प्रश्न भी नहीं है और समय भी हो रहा है, तो आज की कक्षा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और मैं विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लगातार अपने प्रश्न पूछे, अपनी जिज्ञासा आपके समक्ष रखी, धैर्य बनाकर सुना। मैं अपने टेक्निकल टीम देवाशीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि शुरुआत से लेकर निरंतर हमारे साथ बने हुए थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास बिना टेक्निकल टीम के तो संभव हो ही नहीं सकती, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार। और अंत में सर का, संतोष राय सर का बहुत बहुत
आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय निकाला, हमें समय दिया। मैं जानता हूँ सर की तबीयत भी ठीक नहीं है, 2-3 दिन से उन्हें सर्दी खांसी थी, इसके बावजूद उनके गले भी बैठे हुए, फिर भी उन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। इसी तरह सर आपका साथ और आपका आशीष हम पे, हम विद्यार्थियों के ऊपर निरंतर बना रहे सर। आप सभी का धन्यवाद। जी सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करें, और जब भी आप लोग याद करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको समय दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपनी ओर से इस कॉल को समाप्त कर सकते हैं सर। जी, अब यह कक्षा समाप्त हो रही है। जी जी सर, आप अपनी ओर से सर कॉल को समाप्त कर सकते हैं, वहां से अपना कॉल को एंड कर सकते हैं, काट सकते हैं सर फोन। हाँ ठीक है, ठीक। जी सर।